नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। पंजाब सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जीरकपुर कालका पंचकुला रोड पर मीट मार्केट में कुछ दुकानदारों की ओर से लॉकडाउन में दुकानों को खोलकर मीट बेचा जा रहा था। इस पर जीरकपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दुकानदारों को मौके पर गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा लोहगढ़ रोड स्थित सब्जी की दुकान में दुकानदार समेत खरीदारी करने आए लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। ये बिना डिस्टेंसिंग के यहाँ सब्जी खरीद रहे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जीरकपुर के एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने बताया है कि कालका पंचकुला रोड पर स्थित कुछ मीट की दुकानदारों की ओर से दुकानें खोले जाने पर मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की गई है। जीरकपुर के एसएचओ ओंकार सिंह ने बताया है कि एफआईआर नंबर 213 में लालता प्रसाद, महावीर भोला, निर्मला देवी और शांति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुकदमा नंबर 214 में कुमार, मुकदमा नंबर 215 में लाल बाबू, मुकदमा नंबर 216 में संजीव कुमार मुखिया के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। जीरकपुर से हमारे संवाददाता अमित पंडित की रिपोर्ट। लॉकडाउन दौरान कुछ आज पर्चे वगैरह भी हुए दुकानें खुली थे? हाँ, हुए जी। लॉकडाउन आज 4 पर्चे दर्ज हुए हैं। 3 पर्चे जो कालका टाउन लग गए मीट दॉपा उन्होंने खोलिया से, उसे उन्होंने कस्टमर दुकानों के डील कर रहे थे। अच्छा जी। इस करके उन्होंने खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक सिगमा सिटी के लागे एक मार्केट हैगी है सब्जी की, वो मार्केट वाले ने सब्जियां जड़िया उत्थे कस्टमर काफ़ी भी बच्चे कस्टमर बुलाए हुए थे। अच्छा जी। सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया सी, ना ही आप रखा, तो ना ही उन्होंने मास्क नहीं पहने से। एक उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 4 मुकदमे दर्ज हो। इस तो अलावा और गड्डिया भी क्लो भी बाउंड किए हैं, तो मास्क के भी काफ़ी चलान किए गए। ये हूँ सर जो लॉकडाउन अगे बढ़े या कुछ आए चांस? हाँ, जिड़िया नवी गवर्नमेंट वालों गाइडलाइन आ रही हैं, वो अनुसार हम नवी जी गाइडलाइन उन्होंने इंप्लीमेंट किया जा रहा है।